नमस्कार पीपी न्यूज 24 सर में आपका स्वागत है। बिल्कुल आजमगढ़ से। आजमगढ़ चुनावी रंजिश को लेकर हुए हमले, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस प्रशासन मौन, हत्या का रूप देखना चाहती है पुलिस। घायल मंगली अस्पताल में भर्ती। आजमगढ़ फर्जी वोटिंग की रंजिश में सोमवार की देर शाम बरदा थाना क्षेत्र के बरौना पट्टी गाँव में उस वक्त बवाल हो गया। एक पक्ष रोजा खोलने के समय दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडे से उग्र हमला हो उठा। हमले में घायल 6 लोगों को मंडली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर ने एक घायल जुल्फिकार की हालत गंभीर देखकर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। प्राप्त समाचार के अनुसार सोमवार को बरौना पट्टी गांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोट पड़ा था। वोटिंग में फर्जीवाड़ा करने के आरोप प्रत्यारोप में दो पक्षों में विवाद हुआ था। उस समय कुछ ग्रामवासियों के बीच बचाव करने से विवाद चल गया था। आरोप है कि एक पक्ष के लोग शाम में रोजा खोल रहे थे कि दूसरे पक्ष के लोग मौके पर पहुंचकर लाठी डंडा सलिया लेकर हमलावर हो उठे। 6 लोगों को पीट पीट कर घायल कर दिया। हमले में घायल हुए जुल्फिकार अहमद 55 वर्ष, 1,40,000, सुफियान 36 वर्ष, प्रधान पद के प्रत्याशी मोहम्मद फैजान 20 वर्ष, अनिस अंसारी 55 वर्ष, शहाबुद्दीन 50 वर्ष मंगली अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों का कहना है था कि विरोधी अपने समर्थकों के साथ फर्जी वोटिंग करवा रहे थे, विरोध किया तो हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप से मामला ठंडा पड़ा था। शाम में योजनाबद्ध तरीके से उनके ऊपर ओझा खोलने के दौरान हमला किया गया। हमलावर बड़ी संख्या में थे। नामजद शिकायत पुलिस में दर्ज है, फिर भी पुलिस तामाशाही बनी हुई है। बरदा पुलिस मामले में फिलहाल कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकी है। पुलिस के प्रति ग्रामवासियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद आखिर पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार करने में आनाकानी क्यों कर रही है। अगर उक्त हमलावरों को समय रहते गिरफ्तार नहीं किया गया तो घायलों के परिजनों पर और भयानक हमला हो सकता है। आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।